हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली, जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वर्ल्ड के टॉप क्रिप्टो करेंसीज में से लाइट कॉइन आता है। टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 रैंक में आने वाला कॉइन लाइट कॉइन, आज बहुत बड़ी सैड न्यूज आई है। जितने भी लाइट कॉइन के होल्डर्स हैं, उन सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस कॉइन में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट भी किया है। ये जो न्यूज निकल करके आई है, इस न्यूज को देखने के बाद में मैं खुद शॉक्ड रह गया और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। न्यूज जो निकल करके आ रही है वो ये है कि साउथ कोरिया कंट्री से जो न्यूज आई है, आपको पता है कि साउथ कोरिया कंट्री बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए, और वहां की गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन रूल और रेगुलेशन के मामले में बहुत ही ज्यादा टाइट है, जो कि सभी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंट्री के लिए। तो जो न्यूज निकल करके आई है वो ये है कि साउथ कोरियन टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंजेस डी लिस्ट लाइट क्वाइन। आप लोग सोच रहे होंगे, आप लोग शॉक्ड खुद रह गए होंगे कि आखिर लाइट क्वाइन इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे डीलिस्ट हो सकता है, वो भी साउथ कोरिया के जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द टॉप 5 साउथ कोरियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन एग्रीमेंट हैव डीलिस्टेड लाइट क्वाइन ओवर द प्राइवेसी फोकस्ड मिम्बल बिम्बल अपग्रेड। आप लोग खुद सोचिए, साउथ कोरिया के जो टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहां पर जो प्राइवेसी फोकस्ड हैं, वहां पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी वजह से लाइट क्वाइन को डीलिस्ट किया जा रहा है। साउथ कोरिया हैज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेंगेस्ट क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड। मैंने ऑलरेडी बताया, जैसा कि आपको पता है, साउथ कोरिया रूल रेगुलेशन के मामले में बहुत ही ज्यादा टाइट है, जिसकी वजह से सभी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद में साउथ कोरियन लाइट क्वाइन इन्वेस्टर्स हैव ए मंथ टू ट्रेड एंड विड्रॉल ऑल दियर क्वाइंस। मतलब सिंपल सा ये हुआ, जितने भी साउथ कोरिया कंट्री के इन्वेस्टर्स हैं लाइट क्वाइन के, उन सभी लोगों को एक महीने का मौका मिला है, और एक महीने के मौके में क्या करना है, उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, और उसको विड्रॉल कर लेना है किसी भी हालत में। अब हम यहां पर बात करेंगे जो और टॉप करेंसी एक्सचेंजेज हैं यहां पर साउथ कोरिया कंट्री के, वो ये हैं। आप सभी लोगों को पता है कि साउथ कोरिया कंट्री के जो टॉप कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेज हैं, वो सबसे पहला नाम आता है अपबिट का। जी हाँ, मैं लगभग वीडियो में कवर करता रहता हूँ, अपबिट बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है साउथ कोरिया कंट्री का। उसके बाद बिटहम का अक्सर मैं नाम लिया करता हूँ, क्वाइनोन ये भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, कॉर्बिट ये भी बहुत बड़ा एक्सचेंज है, और गोपैक्स। ये 4-5 ऐसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं जो साउथ कोरिया कंट्री के टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेज में आते हैं, और 5 के 5 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों ने यहां पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि लाइट क्वाइन को हम डीलिस्ट करने जा रहे हैं। यहां पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो न्यूज निकल करके आई है वो मार्केट में वायरल हो रही है, और कहीं ना कहीं यहां पर जितने भी लाइट क्वाइन के होल्डर्स हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि अब लाइट क्वाइन के साथ में क्या करना चाहिए। तो यहां पर लाइट क्वाइन को बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए। अगर आप अभी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग वेट करिए, क्योंकि जो निगेटिव न्यूज है, हो सकता है इसका प्राइस डंप हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर अगर हम क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट की बात करें, तो यहां पर जो न्यूज निकल करके आ रही है उसकी वजह से अभी टॉप यहां पर क्या हो रहा है, लाइट क्वाइन 20 रैंक पर बिलोंग कर रहा है, और 20 रैंक पर जब ये बिलोंग कर रहा है, तो अभी जो इसका करंट प्राइस की अगर हम बात करें तो $62 के आसपास चल रहा है। जी हाँ, और $62
आप सोच सकते हैं अच्छा खासा प्रोजेक्ट आता है, लार्ज मार्केट कैप है इसकी और बहुत ही जबरदस्त इसके ऊपर लोग ट्रस्ट भी करते हैं। तो $62 के आसपास प्राइसिंग इसकी चल रही है, लेकिन यहां पर सवाल ये आता है बाई सेल होल्ड। तो बाई करने के लिए, अभी नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सेल की अगर हम बात करें तो यहां पर आप सभी लोगों को थोड़ा सा सेल करना चाहिए अगर आपने होल्ड किया है, लेकिन एक स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अगर शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं वो लोग यहां पर अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर हो सकते हैं। अगर हम होल्ड की बात करें तो जो लॉन्ग टर्म के होल्डर्स हैं वो अपना कॉइन होल्ड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी रिस्क से दूर रहिए। रीजन ये है सबसे बड़ा कि निगेटिव न्यूज आई है, हो सकता है ये कॉइन $50 पे डंप हो जाए, $55 पे डंप हो जाए, हो सकता है $45 पे डंप हो जाए। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर अभी दूर रहिए। मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पार्ट्स में बाई कर सकते हैं, $55, $60, $50, $45, इस तरीके से छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यहां पर मैंडेटरी सिचुएशन ये है, कंडीशन ये है कि आप सभी लोगों को स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है। क्यों यूज करना है? हो सकता है, नॉट कंफर्म, लेकिन हो सकता है ये कि हो सकता है बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस इसको डिलिस्ट करना स्टार्ट कर दें। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करिएगा और अलर्ट रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखा करिए। हो सकता है कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज निकल आए, हो सकता है बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज आ जाए, हो सकता है कोई भी प्रोजेक्ट टेरा लूना क्वाइन जैसा भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हमेशा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, न्यूज अपडेट्स एक्टिव रहा करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आंख बंद करके सो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। और हाँ, आपने लाइट क्वाइन में होल्ड किया है या नहीं किया है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।